हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है BSNL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे की बंपर 11,705 जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 16,400 रुपए से लेकर 40,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की तरफ से। अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। वहीं अगर बात करते हैं पोस्ट नेम क्या है, तो ये जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11,705 है दोस्तों। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों की 50% जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जबकि 50% जो रिक्रूटमेंट होगी वो बाय प्रमोशन थ्रू लिमिटेड इंटरनल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष तक रखी गई है, वहीं ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए इसे 20 से 33 वर्ष तक रखा गया है, जबकि अगर SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपकी उम्र 20 से 35 साल तक होनी चाहिए। अगर सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 16,400 रुपए से लेकर 40,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जिन कैंडिडेट्स ने MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE या फिर BE या BTEC कर रखा है टेली कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या रेडियो में या कंप्यूटर में या फिर इलेक्ट्रिकल या IT में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। वहीं अगर बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या है, तो ये 2 साल होगा दोस्तों उनके लिए जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की गई होगी। अगर वहीं बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि पहले से BSNL की एम्प्लॉय है, तो उनके पास डिप्लोमा या फिर BTEC होना चाहिए अबव मेंशन डिसिप्लिन्स में, या फिर BSc या MSc होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में, या फिर BSc होनी चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,000 रुपए, वही SC/ST और PH को देने होंगे 500 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो सर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।